नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी अपने अपने दायरे। वो महाराजिन नहीं आई आज, कमों की 2:30 बजे की बस है और 10 बजे तक महारानी का पता नहीं है कब तो खाना बनेगा और कब सब लोग खाएंगे। पुष्पा योगेश के ऐन सिर पर खड़ी भुनभुना रही थी। योगेश बरामदे में अपने ही सोच में डूबे हुए थे। एकदम चौंक कर बोले, क्या कह रही हो, किसकी बात कर रही हो तुम? महाराजिन की और किसकी, 10 बज रहे हैं। और योगेश एकदम सतर होकर बैठ गए। क्या तुम मौसी की बात कर रही हो? पुष्पा ने हामी भरी तो वे और परेशान हो उठे। कहीं उन्हें तुमने सचमुच महाराजिन तो नहीं समझ लिया? मतलब उन्हें महाराजिन कहकर बुलाया तो नहीं कभी? मेरी क्या शामत आई है? जहां मेहतरानी तक को बुआ कहना पड़ता है, वहां मैं महाराजिन को महाराजिन कहकर बुला सकती हूं। तुम्हारे घर की कहारिन तक तो मेरी अजिया सास लगती है, महाराजिन तो मौसी है, जगत मौसी। योगेश ने राहत की सांस ली। पुष्पा, वे सचमुच मेरी मौसी हैं, अम्मा की मुँह बोली बहन हैं। कमों का हाथ बटाने आ जाती थी, आज कोई काम आ पड़ा होगा। तुम्हारी इन मौसी जी को पहले तो कभी देखा नहीं, अपनी शादी में आए थे ये लोग, तुम्हें ध्यान नहीं होगा। वैसे चाचा पिछले साल तक जौनपुर में ही रहते थे, अभी अभी तो रिटायर होकर गाँव लौटे हैं। सो तो ठीक है, पर अब तभी पप्पा उधर होके निकले। बोले, बहू 2:30 बजे की बस है, खाना ज़रा जल्दी ही निपटा लेना, और हाँ साथ के लिए भी बना देना, बच्चों का साथ है। पप्पा, आज बिन्नी मौसी नहीं आई? योगेश ने पुष्पा की ओर से पूछ लिया। हाँ, आज शायद जी अच्छा नहीं है, सुबह उधर से निकला था तो बिशंभर ने बताया था। वैसे बेटा, उन पर अपना जोर थोड़े ही है, वो तो अशौच था इसलिए इतने दिन करवाती रहीं, यही बहुत है। अब तेरी के बाद तो सब शुद्ध है, हम अपने आप बना सकते हैं। भारी मन से पुष्पा को रसोई का रुख करना ही पड़ा। कम्मो वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी, उसने चूल्हे पर दाल चढ़ा दी और अब बैठी आटा उसन रही थी। पुष्पा से बोली, भाभी पूड़ियाँ तो मैं उतार लूँगी, तुम बस सब्जी भर बना दो, इन्हें तुम्हारे हाथ के बने भरवा करेले बहुत पसंद हैं। यह नहीं होगा कम्मो, आज तुम यहाँ हाथ भी नहीं लगाओगी, चलो उठो अपनी तैयारी करो। ऐसी कौन सी तैयारी करनी है भाभी, 4 कपड़े ही तो बांधना है, बंध जाएंगे, तुम अकेली कहाँ तक खटोगी? फिर आज भर करवा लेने दो, कल से तो तुम्हें अकेले ही सब निपटाना होगा। पुष्पा को कम्मो पर प्यार हो आया, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसका बस चले तो अपनी पढ़ी लिखी शहराती भाभी को जमीन पर पांव ही न रखने दे। अम्मा भी उसका इतना ही ख्याल रखती थी, सास के बारे में प्रचलित सारी धारणाओं को उन्होंने झुठला दिया था, उन्होंने कभी उसे चूल्हा नहीं फूंकने दिया। बहुत हुआ तो एकाध सब्जी या पुलाव कभी कभार बनवा लेती और फिर सारे मोहल्ले में उसके गुण गाती डोलती। सब्जी के लिए मसाला तक कम्मो पीस कर देती थी। कम्मो हूबहू माँ की परंपरा निभा रही है, अपने रहते वह भी उसे चूल्हे के पास नहीं तपने देगी। मैंने इनसे कितनी बार कहा होगा, करेले छीलते हुए पुष्पा एक सफ़ेद झूठ बोल गई। घर में 2-2 गैस के चूल्हे हैं, 3-3 सिलेंडर्स हैं, एक यहाँ लगवा देते हैं, पर मानते ही नहीं, कहते हैं एक बार लगवा देने से क्या होगा, हर बार नया सिलेंडर कहाँ से आएगा, एक बार लग जाता तो कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाता, अम्मा को तो आराम हो जाता, पर इन्हें तो डर ही लगा रहता। कहते अम्मा को इन चीज़ों के बरतने का शऊर नहीं है, कभी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक ही तो कहते थे भैया, गैस पे खाना बनाना अम्मा के बस का नहीं था। अरे सब काम कोई माँ के पेट से सीखकर थोड़े ही आता है, धीरे धीरे सबको आदत हो जाती है,
पर तुम्हारे भैया तो हर बात में एक शंका खड़ी कर देते हैं। परली दिवाली पर तो मैंने अम्मा के लिए एक नया कुकर भी खरीद लिया था। तुमने बेकार पैसे फूंक दिए भाभी। इस उम्र में आकर अम्मा क्या यह सब सीख पाती? और वैसे भी, अम्मो ने बटलोई में कलछी चलाते हुए कहा, पप्पा को दाल भात कभी भाया नहीं। पुष्पा ने स्वास्थ्य की सांस ली। वैसे देखा जाए तो अम्मा की मृत्यु के 15 दिन बाद इस चर्चा का कोई मतलब नहीं था। वह तो अपने अपराधी मन को सांत्वना देना चाहती थी और वह उसे मिल गई। सच कमों का बड़ा सहारा है। काम में तो खैर उसका जवाब है ही नहीं, पर उसमें एक और भी खासियत है, अपनी भाभी के लिए वह ढाल है, ढाल। नाते रिश्तेदारों की आलोचना, अड़ोसी पड़ोसियों की नुक्ताचीनी सब वह अपने ऊपर झेल लेती है, पुष्पा पर आँच नहीं आने देती। उसके दोनों बच्चे जब दादी के श्राद्ध पर भी नहीं आ सके थे तो सब लोगों ने कितनी नाक भौं सिकोड़ी थी। तब कम्मो ने ही उन्हें समझाया था कि अंग्रेजी स्कूलों की पढ़ाई कितनी जानलेवा होती है, वहाँ एक दिन भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। फिर बिक्की निक्की तो हॉस्टल में है, वहाँ छुट्टी के भी नियम होते हैं। इतने दुधमुहे बच्चों को हॉस्टल में रखने की बात पर सबने मुँह बिचका दिया था, तब कम्मो ने ही समझाया था, भाभी सब जलते हैं, हर एक के बस का नहीं है ना, इसलिए। अब पुष्पा कैसे कहे कि ये काम तो उनके भी बस का नहीं है। हर महीने एक मोटी रकम वहाँ भेजते हुए मन पर जैसे सांप लौट जाते हैं, परंतु बच्चों के भविष्य को देखते हुए सब्र करना पड़ता है। और बच्चों के बाहर रहने से वे लोग कितने निश्चिंत हो गए हैं, आज़ादी से घूम फिर लेते हैं। बच्चे घर पर होते तो क्या इतने दिनों तक यहाँ बेफिक्री से रहना संभव होता? कमों को देखो, दिन भर तीनों उससे चिपटे रहते हैं, बात बात पर झगड़ेंगे, मचलेंगे, जब देखो खाने के लिए ठुनकते रहेंगे। बेचारी कम्मो 5 साल छोटी है पर पूरी पुरखीन लगने लगी है। दोनों ननद भौजाई हिल मिल कर जुट गई तो घंटे भर में खाना तैयार हो गया। उसी फुर्ती से दोनों ने सबको खिला भी दिया। जमाई बाबू ने सब्जी की कढ़ी की जी भर कर तारीफ की। पुष्पा को लगा जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। खाने के बाद थोड़ा सुस्ताने का सोच ही रही थी कि पप्पा ने आकर कहा, बहू लाली की विदा की तैयारी करो, बस का वक्त हो रहा है। तैयारी? वह क्या होती है? पुष्पा तो कुछ जानती ही नहीं, उसका अपना पीहर तो शहर में ही है। वैसे भी मम्मी इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करती, यहाँ अब तक अम्मा ही सब कुछ करती धरती रहीं, फिर कम्मों से पूछ पूछ कर ही सारी रस्में की। पुष्पा को यह सब बड़ा अजीब सा लगता है, ये लोग तो मरण को भी त्यौहार बना देते हैं। अभी कल तक घर में इतने मेहमान थे कि जैसे कोई शादी हो। 13 के दिन तो हद ही हो गई, दिन भर जियोनार होती रही। लोग बाग बस इसी चर्चा में रस ले रहे थे कि कितने टीन घी खुला, कितने मन शक्कर गली। और अब ये कम्मो इतने सास सामान के साथ विदा हो रही है कि फैशन परस्ती का लेबल चिपक जाएगा। और तो और, योगेश भी यहाँ आकर इन्हीं लोगों की सी भाषा बोलने लगे हैं। कहते हैं, मेरी कौन सी 10-20 बहने हैं और अम्मा क्या अब दोबारा लौटने वाली हैं। जाते हुए कम्मो सबके गले मिलकर फूट फूट कर रोई। थोड़ी देर पहले ही बप्पा चुपके से आकर उसे समझा गए थे कि बहू कम्मो को दिलासा देना, उससे कहना कि तुम लोग उसे हर तीज त्यौहार पर छुट्टियों में बुला लिया करोगे। कम्मो जब उससे लिपट कर सिसक रही थी तो यह सब उसे याद आ रहा था, पर गला इतना भर गया था कि उससे बोला ही नहीं गया। योगेश ने ही बात संभाल ली। बहन को बाहों में भरकर उन्होंने सांत्वना दी। पगली रोती क्यों है? अम्मा नहीं है तो क्या हुआ? बप्पा तो हैं, मैं हूँ, तेरी भाभी है, तुझे चिंता किस बात की है? तेरा जब मन हो चली आना, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। पुष्पा सोच रही थी कि कम्मो ने अगर सचमुच हर छुट्टी में आने का इरादा कर लिया तो वह उसे कहाँ रखेगी? उसके शैतान बच्चों से अपने सजे संवरे घर की रक्षा कैसे करेगी? जमाई बाबू के नखरे कैसे उठाएगी?
और सबसे बड़ी बात तो यह कि जाते हुए हर बार इतना सामान कहाँ से देगी। लेकिन कम्मो बेचारी अपने लिए चिंतित नहीं थी, बराबर यही कह रही थी, भैया बप्पा का ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना, बेचारे बहुत टूट गए हैं। कम्मो गई और घर एकदम सूना हो गया। उसकी सौम्य शांत हंसमुख आकृति पूरे घर में चैतन्य का संचार किए रहती थी। बच्चे शैतान जरूर थे, पर उनकी वजह से घर में रौनक थी। अब उतने बड़े घर में वे तीन प्राणी रह गए और एक मातमी सन्नाटा वहाँ छा गया। योगेश की छुट्टी भी समाप्त होने को थी, दो तीन दिन में उन्हें भी चले जाना था, पर जाने से पहले बिखरे घर को समेटना बहुत ज़रूरी था। मेहमानों के कारण सारी व्यवस्था उलट पुलट हो गई थी, सब कुछ फिर से सिलसिले बार जमाना पप्पा के बस का नहीं था। पुष्पा और योगेश दोनों इस काम में जुट गए। इधर उधर झूलती अम्मा की साड़ियों को धो धाकर पुष्पा ने संदूक में सहेज कर रख दिया। यह तो संदूक खोलने पर ही मालूम हुआ कि वह भानुमति का पिटारा बना हुआ है। सफाई के बहाने पुष्पा ने अम्मा की दोनों संदूकचियाँ खंगाल कर रख दी। उसकी आंखें बराबर कुछ खोज रही थीं, पर हाथ कुछ नहीं लगा और उसे एकाएक अपनी मम्मी पर गुस्सा आने लगा। इस बार जब अम्मा की बीमारी का तार मिला तो योगेश अकेले ही चल पड़े थे। उन्हें जैसे आभास हो गया था कि अम्मा का अंतिम समय आ गया है। पुष्पा से भी कहा था, तुम तैयार रहना, मैं पहुंचते ही खबर कर दूंगा। जब से अम्मा की बीमारी का पता चला, वे हर तीन महीने बाद गांव का एक चक्कर लगा रहे थे। कैंसर के मरीज को तिल तिल कर मरते देखना बड़ा त्रासद होता है। योगेश सब कुछ देख कर आते और फिर हफ्तों उदास बने रहते। उनका तो बहुत मन था कि अम्मा उनके पास ही बनी रहती, जैसा बनता वे इलाज करवाते, पर अम्मा नहीं मानी। घर जाने की ऐसी रट ले ली कि फिर बप्पा भी उनके अनुरोध को टाल नहीं सके। पिछली बार गांव से लौटे थे तो बोले थे कि अब अम्मा अधिक दिनों की नहीं है, इसलिए तार पाते ही वे मानसिक रूप से तैयार होकर चल दिए थे। शहर में रहने वाले पुष्पा के माता पिता तार की खबर सुनते ही दौड़े चले आए थे। उसकी मम्मी ने आते ही योगेश से कहा, ये क्या बेटा, तुम पुष्पा को यहीं छोड़कर जा रहे हो? अरे इसे भी तो सास की सेवा का पुण्य लूटने दो, भरी पूरी सतबंती सुहागन का आशीर्वाद लेने दो। दरअसल मम्मी जी, इस बार कुछ ठीक नहीं है कि कितने दिन रहना पड़े, पुष्पा वहाँ परेशान हो जाएगी, गांव का मामला है ना। अरे वाह, गांव शहर जहाँ भी हो अपना घर कहीं छोड़ा जाता है, और यह वक्त क्या अपनी सुविधा असुविधा देखने का है? इस बार जोड़े से पहुँचोगे तो समधिन की आँखें चुड़ा जाएंगी, तुम्हारे पिताजी को बहन को सहारा हो जाएगा। पुष्पा बाद में माँ पर खूब भुनभुनाई थी, मम्मी तुम्हें पता नहीं बैठे बिठाए ये क्या सोची, अच्छे भले हुए मुझे छोड़कर जा रहे थे, कभी आपने गांव जाकर देखा भी है? तुम्हें कौन वहाँ जिंदगी भर रहना है, फिर भी जरा तो अकल से काम लिया करो, समझती तो कुछ हो नहीं, बस बहस शुरू कर देती हो। खबर लगते ही ननद रानी फुर्र से उड़कर पहुंच जाएगी और तुम टापती रह जाओगी। क्या मतलब? मतलब मेरा सिर, तुम तो जैसे अक्ल के पीछे लठ लेकर घूमती हो। अपनी सास को कभी गौर से देखा है? उनकी अकेली मोहनमाला से विक्की निक्की की बहुओं के सेट्स बन सकते हैं, समझी? और भी ना जाने कितना होगा। अपनी सास के गहनों पर तो पुष्पा का ध्यान ही नहीं गया था। हाँ, एक मोहन माला जरूर वे हमेशा पहने रहती थी। उनके पास बड़े से कर्णफूल भी थे जिनका वजन अब उनसे झिलता नहीं था। मैल खाई सोने की पतली चार चूड़ियाँ भी थी। पिछले दिनों जब वे यहाँ आई थी, बीमारी के कारण पहनना ओढ़ना सब छूट सा गया था। पुष्पा को उनका वही रूप याद रह गया था। मम्मी की बात पर गौर किया तो उसे भी लगा कि इस बार साथ जाना ही श्रेयस्कर है, योगेश का मन भी रह जाएगा। और पर यहाँ पहुँची तब तक सब कुछ शेष हो चुका था। शेष सारे दिन रोते कलपते ही बीते थे।
ढेर के ढेर रिश्तेदार और असंख्य परिचित, आने वालों का जैसे तांता लगा रहता था। पुष्पा तो किसी को ठीक से जानती भी नहीं, कमो साथ ना होती तो पता नहीं क्या होता। शोक का इतना लंबा सिलसिला और फूहड़ प्रदर्शन देखकर वह तो ऊब गई थी। वह सोचती, हर बार चिंघाड़ कर रोना क्या जरूरी है? हर बार आंखों में आंसू भर लाना क्या इतना सरल है? आने वालों ने तो यही सोचा होगा कि सास के मरने का इसे जरा भी मलाल नहीं है। इस बार का आना सचमुच बहुत अखड़ गया था। एक तो 10-12 दिनों तक अजीब सा स्वांग बनाकर रहना पड़ा था, दूसरे घर की ढेर सारी असुविधाओं का सामना पहली बार हुआ था। इससे पहले जब भी यहाँ आई थी, वेनी माधव जी के यहाँ एक कमरा उन लोगों के लिए रिजर्व हो गया था। सोने बैठने नहाने धोने की व्यवस्था हो जाती थी। इस बार सूतक के कारण वह घर में कैद होकर रह गई थी, इसलिए जीवन की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरस गई थी। उसे समझ में नहीं आता था कि लोग पंखे के बिना कैसे रह लेते हैं। गांव में बिजली आ गई थी, पर घर की छत इतनी नीची थी कि सीलिंग फैन का प्रश्न ही नहीं उठता था। घर घर करता एक टेबल फैन किसी ने भिजवा दिया था, पर उसका भी सुख जमाई राजा लूट रहे थे। पुष्पा को अगर जरा भी एहसास होता कि उसे कभी यहाँ आकर इतने दिन रहना पड़ेगा, तो एक कूलर जरूर फिट करवाती थी। गनीमत थी कि योगेश के हॉस्टल के ज़माने का एक स्टोव घर में था, नहीं तो जमाई बाबू के लिए घंटे घंटे भर बाद चाय बनाना मुश्किल हो जाता। ड्रेसिंग टेबल का तो खैर सवाल ही नहीं था, पर घर में ढंग का एक आईना तो होता। अम्मा पता नहीं किसमें देखकर अपनी अठलिया बिंदी लगाया करती थी। ट्रांजिस्टर की कौन कहे, घर में अखबार तक मांगे से आता था और उसका दखल मर्दाने तक ही था। वह तो जैसे दुनिया जहान से कट सी गई थी। इन सारे कष्टों को उसने बड़े संयम के साथ सहा था। सारी असुविधाओं को वह बड़ी खुशी से झेल गई थी। इसका सिला तो उसे मिलना ही था। सुनो, उसने योगेश को आवाज़ दी, बप्पा से पूछना अम्मा की ज्वेलरी कहाँ रखती है, उसका तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस सूने घर में तो हम उसे छोड़कर जा नहीं सकते। ज्वेलरी? योगेश एकदम चौंके। अम्मा के पास कौन सी ज्वेलरी थी? थी क्यों नहीं, अम्मा क्या कुछ पहनती नहीं थी, माला चूड़ियाँ टॉप्स? ओह, तो यूँ पूछो न कि गहने कहाँ हैं। दरअसल अम्मा के साथ ज्वेलरी शब्द बड़ा अटपटा सा लगा, तभी तो बौखला गया। अपनी भाषा विज्ञान अपने पास रहने दो, मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो, बप्पा से गहनों का पूछो। आज्ञाकारी पति की तरह योगेश बप्पा के सामने जा खड़े हुए। बप्पा, अम्मा के सब गहने गुड़िया कहाँ हैं? बप्पा पहले तो चौंके, फिर उन्होंने योगेश को इस तरह घूर कर देखा कि वे सिर पिटा गए। बोले, बप्पा मेरा मतलब था यहाँ रखने की अपेक्षा हम सब कुछ लॉकर में डाल देते, आपका तो घर में ध्यान रहता नहीं है। बेटा, बप्पा ने उसास भर कहा, तुम्हारी अम्मा के पास ऐसा कौन सा कारू का खजाना था? जो कुछ था उसमें से कुछ तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया, कुछ कम्मों की शादी में, कुछ चीज़ें बहू को दे दी, कुछ बिटिया को, फिर नाती पोतों का पंच है, मुंडन है, हर बार कुछ ना कुछ महाजन के यहाँ देना पड़ा है। रहा सहा ये ससुरी बीमारी लील गई, अपनी करधनी और कर्णफूल कमों को देने के लिए कह गई थी, पर वह भी कहाँ हो पाया। सामने इतना बड़ा काम जो था, उसकी चीज़ उसी के श्राद्ध में लगा दी। योगेश और बहू दोनों कट कर रह गए, फिर भी योगेश ने हिम्मत की। बप्पा, मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि ये सब फिजूल की रस्में हैं। हमें मालूम है बचवा कि तुम लोगों को इसमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। पर कहीं से तो इंतजाम करना था बेटे, आसपास के 5 गांवों में उसका दबदबा था, लोग पंडिताइन को पूजते थे। तुमने देखा तो था कितनी श्रद्धा से वे उसके प्रसाद के लिए उमड़ पड़े थे। इतने लोगों को मैं निराश कैसे लौटा देता? अभी तो मैं बैठा हूँ, कल को मेरी मिट्टी को तुम कैसे पार लगाओगे? मैं देखने नहीं आऊँगा।
पर तुम्हारी अम्मा का मान तो मुझे रखना ही था, उसकी आन तो मुझे निभानी थी बेटे। आदमी का मन बड़ा विचित्र होता है, मरने के बाद भी उसका मोह नहीं छूटता। उस बार हम तुम्हारे यहाँ आए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, फिर भी मेरा मन घर लौटने का नहीं था। सोचा था यहीं बेटे बहू के पास बने रहेंगे, शहर में दवा दारू भी होती रहेगी और बुढ़िया का जी भी बहला रहेगा। पर तुम्हारी अम्मा नहीं मानी, बोली अगर मरना ही है तो घर ले चलो, यहाँ मरूंगी तो मुझे कौन जानेगा, ट्रक में डालकर चार जने फूंक आएंगे बस। गांव में मरूंगी तो लोग कहेंगे बड़ी पंडिताइन मरी हैं, लोग मेरी मिट्टी को भी मत्थे टेकेंगे। सच तो कह रहे थे पप्पा। वह रोती बिलखती भीड़ योगेश ने भी देखी थी, जो अम्मा के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी थी। अपना सामान बांधते हुए पुष्पा ईश्वर से मना रही थी कि हे भगवान, अब दोबारा यहाँ न आना पड़े, कम से कम गांव का शोक और सूतक उसे दोबारा न झेलना पड़े। उसने स्वर में मिश्री खोलकर पति से कहा, सुनो पप्पा से कहो अब हम आपको यहाँ अकेले न रहने देंगे, हमारे पास चलकर रहिए। योगेश का चेहरा खिल उठा, बेचारे कब से यही बात कहना चाह रहे थे पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पुष्पा ने खुद ही मार्ग सुगम कर दिया। पप्पा ने प्रस्ताव सुना तो एकदम न कर गए, बोले ना भैये साल भर तो मुझे कहीं नहीं जाना है, सुने घर में दिया बाती ना होगी तो बुढ़िया की आत्मा हलकान होगी, एक बार बरसी हो जाए फिर मैं आज़ाद हूँ, जहाँ चाहो ले चलो। लेकिन एक बात है बेटा, मेरी मिट्टी कहीं भी गिरे उसे दाग यहीं आकर देना। योगेश विस्मित होकर बप्पा को देख रहे थे। क्या ये वही बप्पा हैं जो कल वैराग्य की बात कर रहे थे, अम्मा के मुंह की हंसी उड़ा रहे थे? और पुष्पा सोच रही थी मरने के बाद यदि इन्हें यहीं आना है तो जीते जी इनका भार कौन उठाएगा। तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी अपने अपने दायरे, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।